आज मैं आपको एक ऐसी चीज के बारे में बताऊंगी जो आपके हर ग्रह के दोष को दूर करेगा। जी हाँ, सभी शास्त्रों, ग्रंथों, वास्तु और ज्योतिष शास्त्र में मोर के पंख को बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, इंपॉर्टेंट जगह दी गई है। मोर के पंख को घर में रखने का बहुत महत्व है, इसका धार्मिक प्रयोग भी है। वास्तु अनुसार मोर पंख घर में रखने से घर के सभी नेगेटिव एनर्जी जो है वो बाहर चली जाती है और घर का माहौल अच्छा होता है। सोच रहे होंगे मोरपंख की क्यों हम बात कर रहे हैं, तो इसीलिए क्योंकि मोरपंख से आपके सभी नौ ग्रह शांत होते हैं, नौ ग्रहों से रिलेटेड जो आपकी इश्यूज हैं, सारे ग्रहों से रिलेटेड वो दूर हो जाएगा। मोर का पंख जो है वो घर में रखने के उसके धार्मिक और ज्योतिषीय महत्व दोनों है। क्या है वो मैं आपको पहले बताती हूँ। सबसे पहले ज्योतिष शास्त्र में ऐसा कहा गया है कि मोरपंख घर में रखने से सभी ग्रहों के दोष दूर हो जाते हैं। अगर आप नहीं जानते तो आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। सभी ग्रह, एक दो ग्रह नहीं, सभी ग्रह के दोष दूर हो जाएंगे, क्योंकि इससे जुड़ी एक बहुत ही छोटी सी कथा है जो मैं आप सभी को सुनाना चाहूंगी, क्योंकि मोर के पंख को ऐसा आशीर्वाद मिला है। लेकिन आप पहले जान लीजिए इसका जो धार्मिक महत्व है। जिन लोगों को नहीं पता कि मोर का पंख धार्मिक चीजों में कैसे इस्तेमाल किया जाता है, उनके लिए जल्दी से बता देती हूँ। तो हिंदू धर्म में अगर हम देखें तो मोर पंख जो है उसको माँ लक्ष्मी से जोड़कर देखा जाता है, इसीलिए मोर पंख धन को आकर्षित करने वाला है। बहुत सारे लोग इसे अपने घर के तिजोरी में रखते हैं। मोर पंख बहुत से देवताओं का प्रिय आभूषण है, जैसे भगवान कृष्ण, गणेश, कार्तिक जी, विद्या की देवी सरस्वती का, माँ का वाहन होने के कारण विद्यार्थी लोग इसको अपने किताब में रखते हैं। मोर का पंख इसलिए भी खास है, कार्तिकेय भगवान का वाहन है इसलिए भी खास है। हिंदू धर्म में मोर के पंख का विशेष महत्व है। मोर के पंख में सभी देवी देवताओं और सभी नौ ग्रहों का वास होता है। ऐसा क्यों होता है, हमारे धर्म ग्रंथ में इससे संबंधित एक कथा है जो मैं अब आपको सुनाने वाली हूँ। कथा कुछ इस प्रकार है कि भगवान शिव ने माँ पार्वती को पक्षी शास्त्र में वर्णित मोर के महत्व के बारे में बताया है। प्राचीन काल में संध्या नाम का एक असुर हुआ करता था, वो बहुत ही शक्तिशाली और तपस्वी असुर था। गुरु शुक्राचार्य के कारण संध्या देवताओं का शत्रु बन गया था। संध्या असुर ने कठोर तपस्या कर शिवजी और ब्रह्मा जी को खुश कर लिया था। ब्रह्मा जी और शिवजी खुश हो गए तो असुर ने उनसे बहुत सारी शक्तियां वरदान के रूप में प्राप्त कर ली। शक्तियों के कारण संध्या बहुत ही ज्यादा जो है शक्तिशाली हो गया, बलशाली हो गया। शक्तिशाली संध्या भगवान विष्णु के भक्तों को सताने लगा था। असुर ने स्वर्ग पर भी आधिपत्य कर लिया था, देवताओं को बंदी बना लिया था। जब किसी भी तरह देवता संध्या को जीत नहीं सके, उसको हरा नहीं पाए, तब उन्होंने एक योजना बनाई। योजना के अनुसार सभी देवता और सभी नौ ग्रह एक मोर के पंख में विराजित हो गए। अब यह मोर बहुत ही शक्तिशाली हो गया था। मोर ने विशाल रूप धारण किया और संध्या असुर का वध कर लिया। तभी से मोर को भी पूजनीय और पवित्र माना जाने लगा। ज्योतिष शास्त्र में भी मोर के पंख का विशेष महत्व है। यदि विधि पूर्वक मोर के पंख को स्थापित किया जाए तो घर के वास्तु दोष भी दूर हो जाते हैं और कुंडली के सभी नौ ग्रह के दोष भी शांत होते हैं। तो छोटी सी कथा है जो इसके बारे में कही जाती है, क्योंकि हमारे हिंदू जो है धर्म में हर एक चीज के पीछे, हर एक हमारे त्योहार के पीछे, हर एक पक्षी, हर एक चीज के पीछे जो हमारे नेचर में भी है, एक उससे जुड़ी कथा है जो हम कोशिश करते हैं धर्मा लाइफ के थ्रू आपको बता सके। तो मोर का पंख क्यों खास है, क्यों पूजा जाता है, इसके पीछे जो कथा थी वो मैंने आपको बता दी। उम्मीद करते हैं जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी ही और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो धर्मा लाइफ को अभी सब्सक्राइब करें और साथ ही हमारे जितने भी वीडियोज आते हैं उस पर थोड़ा प्यार बरसाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।